के बाद पहली बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती है उसकी जो परीक्षा है वो आज आयोजित की गई 18 तारीख को, और कड़ी जो है जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बीच में परीक्षा अभी समाप्त हो चुकी है और अभ्यर्थी कुछ देर बाद बाहर वापस आने वाले हैं। कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएं कि कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बीच जो है आज कांस्टेबल भर्ती पूरे उत्तराखंड के भीतर जो है चल रही है, और उसको लेकर के क्या कुछ जो है अभ्यर्थी कहते हैं ये भी हम अभ्यर्थियों से जानेंगे। अभी जो यहाँ पे बैग्स आप देख रहे हैं ये बाहर जो है बैग्स उतारे गए हैं अभ्यर्थियों के, और उसके बाद जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार बाहर आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कैसी परीक्षा चली, कैसा कुछ सब कुछ रहा, क्या रहा, वो सब कुछ देखने का विषय होगा। तो हम लोग अभी आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कैसी रही, क्या कुछ रहा। पेपर लीक के बाद जब पहली बार इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो एक बड़ी ही मुस्तैदी के साथ, कड़ी मुस्तैदी के साथ हो रहा है आपको बता दें, और जो कुछ अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देकर आ रहे हैं उनसे भी हम लोग जानेंगे। एक बहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कैसा अनुभव रहा बेटा, किस तरह से परीक्षा रही, कैसा अनुभव रहा? जी बोलिए, कैसा अनुभव रहा, कैसी परीक्षा रही पेपर लीक के बाद? इधर कैमरा सर, मुझे मत कैमरा, बेटा कैमरा लगा हुआ लाइव चल रहा है इस वक्त जो है, शायद बोलना नहीं चाहते, कुछ बच्चे बड़े झेपते हैं कैमरे के सामने आने से, हो सकता है यही तस्वीर जो आप सामने देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों के बच्चे हैं और कभी कभी कभार जो एक बोलने का जो कैमरे के सामने जो बोलने का वो है वो कम से कम नहीं हो पाता। लेकिन आपको बता दें 413 परीक्षा केंद्र जो है मौजूद थे पूरे प्रदेश में, और उसके बाद जो है 1,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने जो है के जो प्रवेश पत्र थे वो जारी हुए हैं हमारे बीच में। जैसे जैसे जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा छूट रही है और उसके बाद जो है वापस आ रहे हैं, उनको भी हम लोग आपको दिखाएंगे कि वास्तव में कैसी उनकी परीक्षा रही, क्या कुछ रहा, क्या सब कुछ रहा उसको लेकर के। फिलहाल अपने बैग्स जो है यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि किसका बैग कहाँ पे है, क्योंकि बैग सारे जो है बाहर ही उतारे गए थे। ज्यादातर जो संख्या है वो जो गर्ल्स हैं, हमारी को एक बहन साथ में, कैसी रही परीक्षा, कैसा अनुभव रहा? अच्छा। कैसा था पेपर? बहुत अच्छा आ रखा था, एक मिला जुला पेपर था। कितनी उम्मीदें हैं इस पेपर से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं जो अभी आ रही हैं, जो हमारे जो है अभ्यर्थी हैं जो लड़के हैं लगातार। कैसा अनुभव रहा, कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा। कैसा पेपर था, कठिन था, सरल था, किस तरह का पेपर था? जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो सरल ही था। कितने सालों से तैयारी कर रही हैं? मैं 2-3 महीने से। 2-3 महीने से उम्मीद पूरी है? हाँ। उम्मीद पूरी है। अन्य बहनें भी हमारे साथ हैं, कैसा रहा एग्जाम? मस्त रहा। कैसा रहा? बढ़िया, बढ़िया रहा। और जैसे जैसे अन्य अभ्यर्थी हैं वो आते रहेंगे और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लंबे समय बाद जब पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद पहली बार ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, कैसी परीक्षा रही, कैसा अनुभव रहा, वो हम लोग भी जानेंगे। और कई जो हमारी बहनें वो झेपती हैं बोलने में भी, और कहीं उनको लगता है कैमरे का जो सामना है वो नहीं कर पाती है, कुछ बहनें हैं उनसे भी हम लोग जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी परीक्षा रही, क्या कुछ रहा। कैसी रही आपकी परीक्षा, कितना कैसा पेपर रहा? पेपर अच्छा बनाया था आयोग ने, जिस हिसाब से मतलब बच्चों का वो है, और जैसा कि मतलब हम लोगों ने एग्जाम दिया है तो अभी देखते हैं क्या होता है, फिलहाल ठीक ही था, अच्छा लगा। आयोग पहली बार पेपर करवा रहा है तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर? सर आयोग ने जो पेपर बनाया था, जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि पेपर कैसा होगा, क्या होगा, फर्स्ट टाइम आयोग बना, कैसा रहा पेपर है, था? तो पेपर अच्छा बना था, इजी अच्छा था, मतलब नॉर्मल भी था और मीडियम भी था, दोनों ठीक थे। पेपर अच्छा था और पेपर नॉर्मल भी था, कहीं ना कहीं कठिन भी था, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ बहनें हमारे साथ हैं, कैसा रहा पेपर? सही था, टफ। कितनी उम्मीदें, टफ भी था और सरल भी था, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा, बहुत कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा। कितनी उम्मीदें हैं इस पेपर से? उम्मीदें तो बहुत है, कुछ कह नहीं। आयोग पहली बार इस परीक्षा को करवा रहा है, क्या पेपर टफ था, सरल था, किस तरह से? पेपर पहली बार करा रहा है तो कह नहीं सकते कि टफ है, ठीक है, पढ़े हुए से बहुत कुछ आया है, पढ़े हुए से कहीं ना कहीं बहुत कुछ आया है। तो एक उम्मीद है हमारी जो बहनें आप देख सकते हैं, इनके बीच में एक बड़ी उम्मीद कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और उसके बाद जो है उस उम्मीद कायम रहनी चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन हम लोग जानेंगे कुछ बहनों से भी, फिलहाल यहाँ खड़ी हैं, सीधे हम लोग जान लेते हैं कैसा रहा आपका एग्जाम? काफी बेटर रहा सर, बिकॉज जो हमने पढ़ा था, जो स्टडी बेस था हमारा, उसी के अकॉर्डिंग आया है। स्टडी बेस आया है, कितनी उम्मीदें हैं इस एग्जाम से? उम्मीदें तो काफी हैं, बट बाकी रिजल्ट पहले आपने जो है UK SSC के बारे में सुना, पेपर लीक हो गया, कितना भरोसा है UK PSC पर? ट्रस्ट तो पूरा है, बाकी ट्रस्ट पूरा है। चलिए ठीक है,
स्ट्रेस पूरा है और धीरे धीरे आगे हम लोग जानेंगे। जो बहन है कैसा रहा एग्जाम? ठीक था। अच्छा पेपर है? पढ़े हुए में से आया? बहुत बढ़िया, पढ़े हुए में से आया। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे हम लोग पूछेंगे कैसा रहा। ठीक है। कितनी उम्मीदें लगती है? ठीक है, थोड़ी बहुत है। ठीक उम्मीद लग रही है, ठीक उम्मीद लग रही है। एक और बहन हमारे साथ है, कैसा रहा एग्जाम? ठीक रहा। कितनी उम्मीद है? उम्मीद अब रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट बताएगा। ठीक है, कैसा रहा यूपीपीएससी पहली बार एग्जाम करवा रहा है, कितनी हाँ, उम्मीदें हैं? काफी उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी अच्छा आया था। अच्छा है। पढ़े हुए में से? हाँ, पढ़े हुए में से आया था। बहुत मतलब जिस लेवल से सोचे थे बच्चे तैयारी करके आए थे, बट क्वेश्चन पेपर अच्छा था। लगभग कब से तैयारी कर रहे थे आप? अभी एक साल से तैयारी चल रही है कॉलेज के साथ साथ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जैसे कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया रहा। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। ज्यादातर जो हमारी बहनें हैं उनका कहना है बहुत बढ़िया एग्जाम रहा। और अभी लगातार जो बहनें हैं वो आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जो सिलेबस था, जो पढ़ाई उन्होंने की है, उस पढ़ाई में बेहतर, उस पढ़ाई से संबंधित जो है प्रश्न पत्र भी जो है आए। तो हम लोग एक दो और बहनों से जान लेते हैं कि यूकेपीएससी पहली बार ये एग्जाम करवा रहा है, कैसा उनका अनुभव रहा है इस एग्जाम को देखते हुए? कैसा अनुभव रहा एग्जाम को देखते हुए? बढ़िया था। कब से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 6-7 महीने। 6-7 महीने। कितनी उम्मीदें दिखती हैं? उम्मीदें तो है अभी। उम्मीदें हैं। कहीं ना कहीं जो बहनें हैं उनके बीच में लगातार उम्मीदें बनी हुई हैं और उम्मीदें बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा को लेकर कितना उत्साह है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो लड़कियां हैं, जो हमारी जो है प्रदेश की जो बालिकाएं हैं, उनके बीच में कितना उत्साह है ये हम देख पा रहे हैं इस समय इस सेंटर पे, क्योंकि इस सेंटर में ज्यादातर जो परीक्षार्थी हैं, सारी की सारी जो परीक्षार्थी हैं वो जो है महिला परीक्षार्थी हैं, वो यानी कि महिला परीक्षार्थियों का एक सेंटर ये था। और उस सेंटर पे कैसा एग्जाम रहा हम लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और पूरी तरह से जो आपको हम एक और चीज दिखाते हैं, जो विद्यालय प्रशासन है वो भी लगातार जो है मुस्तैदी के साथ यहाँ बना हुआ है, लगातार सारी ड्यूटियां जो है अपनी कर रहा है। कुछ हमारे साथ बहनें हैं, कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा रहा सर। कब से तैयारी कर रही हैं? हम 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। कितना भरोसा है यूकेपीएससी पर? 50-50। इनको 50% भरोसा है यूकेपीएससी पर। लेकिन जो है एग्जाम कैसा रहा, कब से तैयारी चल रही थी, उस बात को लेकर भी हम लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी तरह से अच्छी परीक्षा रही है, जितनी अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई है, पहली बार जो है वो यूकेपीएससी के अंडर में जो ये परीक्षा हो रही है उसको देकर के आई है। प्रश्न पत्र कैसा आया था, एक प्रश्न पत्र हम लोग लेकर के अभी देखेंगे और आप लोगों से पूछेंगे भी कि वास्तव में प्रश्न पत्र कैसा आया था, उस प्रश्न पत्र को लेकर भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि प्रश्न पत्र को लेकर के कई बार जो है युवाओं के मन में, जो अभ्यर्थी होते हैं उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि कैसे प्रश्न पत्र रहे हैं, क्या टफ एग्जाम रहा है, किस तरह से रहा है। तब तक एक दो जो हमारी अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी, उनसे पूछ लेते हैं कैसा रहा आपका एग्जाम? सर ठीक रहा। कितनी उम्मीदें दिखती हैं इस एग्जाम? अब पता नहीं, अब कुछ तो लगता होगा। परीक्षा पेपर कैसा था? पेपर तो ठीक था। पेपर ठीक था। आगे भी हम लोग पूछ लेते हैं कैसा रहा पेपर? ठीक ही रहा पेपर। बढ़िया रहा। कितनी उम्मीद लग रही है? 70+ तक है। 70+, बहुत बढ़िया। कितने नंबर आने की उम्मीद है? 70 के करीब। कितनी उम्मीद है? 80 के लगभग जो है उम्मीद है। तो ये आप देख सकते हैं कि 80 के लगभग उम्मीद है ये जो महिला जो है परीक्षार्थी है। आपको हम लोग जो है अभी दिखा रहे हैं सीधे एक परीक्षा केंद्र से, और परीक्षा केंद्र से वास्तव में कितना कुछ जो है उम्मीदें अभी भी दिखती हैं। आपको बता दें कि जो महिला जो कांस्टेबल है उसकी परीक्षा, जो कांस्टेबल परीक्षा है उसको लेकर के ये एग्जाम आज हुआ, और उस एग्जाम को लेकर के ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है। हमारे बीच में एक बहन और है, कितनी उम्मीद है, कितने नंबर आ रहे हैं? नंबर तो पता नहीं, लेकिन किया तो अच्छा ही है। अब अपनी कैसा पेपर था, सच बताना? पेपर ठीक था, मतलब जिस हिसाब से पढ़ा था तो ठीक ही था पेपर। एक तरफ UK SSSC और दूसरी तरफ UK PSC, कितना विश्वास, कितना भरोसा है UK PSC पर? अब भरोसा तो आप देखेंगे, वो तो हमारी मेहनत पे बात है कि कैसा करेंगे हम। अब हाकम सिंह का नाम सुना था? हाँ सुना तो था, इसीलिए तो UK PSC पेपर करा रहा है। हाकम सिंह की वजह से UK PSC का पेपर हो रहा है, ये बड़ी बात है। एक जो हमारी बहन है उनका कहना है कि हाकम सिंह की वजह से ही UK SSSC से लेकर और अब UK PSC इस एग्जाम को करवा रहा है। लेकिन हम लोग कुछ और जानेंगे और उसके बाद आगे बातचीत भी करेंगे किसी से, एक परीक्षा जो प्रश्न पत्र आया है उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहन एक बार आपसे कुछ जानना चाह रहा हूं मैं, एक मिनट पेपर देना जरा।
एक मिनट पर पेपर दे। कैसा पेपर था, कितना कैसा पेपर था, क्या सरल था, कठिन था, कैसा पेपर? अब वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा पेपर कैसा है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हमने स्टडी की है, जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाया था, उससे अच्छा रखा था पेपर। हाँ। मतलब कितनी उम्मीद है तुम्हें, कितना नंबर आ रहा है? उम्मीद तो काफी है, क्योंकि हमने अच्छी स्टडी की थी, काफी टाइम से कोचिंग वगैरह जाते थे। कोचिंग कहाँ करते हैं आप? गोपेश्वर। बहुत बड़ी। तो ये है कि अगर मतलब मार्क्स का तो पता नहीं है, लेकिन अपनी उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि हमने अच्छा पेपर किया है। अब वो मेरिट पे बात जाती है कि मेरिट क्या, कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं था जिसके दो उत्तर हो? कई बार जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। UKSSC पेपर करा रहा है तो बहुत अच्छा पेपर दिया है उन्होंने, और उम्मीद है कि हो जाएगा सिलेक्शन। अब UKPSC करवा रहा है इस पेपर। हाँ। तो उम्मीद है कुछ दिखती है? हाँ, उम्मीद है। क्या नाम है? शालिनी। शालिनी, तो हमारे साथ शालिनी अभी मौजूद थी, और शालिनी पूरी तरह से आश्वस्त है कि पेपर अच्छा था। आपको हम लोग सीधे ग्राउंड जीरो से तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो पेपर लीक मामला है, उसके बाद पहली बार कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित हुई, और उसके बाद जो है जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आज एग्जाम दिया, और पेपर से भी पूरी तरह से वो संतुष्ट दिखे। आपको बता दें कि 430 से ज्यादा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई, 1,30,000 से ज्यादा जो प्रवेश पत्र थे वो जारी किए गए, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये एग्जाम हुआ। जब सुबह एग्जाम हुआ तो एक बार सबकी वीडियोग्राफी की गई, और उसके बाद जो है उनको अंदर जाने दिया गया, और उसके बाद उनके बैग्स वगैरह जैसे पुरानी परंपरा थी उसी के हिसाब से चली। लेकिन कई अभ्यर्थी जो हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये भी कहना था कि अगर हाकम सिंह नहीं होता तो UKSSC जो परीक्षा है वही इस परीक्षा को करवा रहा होता, लेकिन हाकम सिंह की वजह से ये परीक्षा UKPSC करवा रहा है। एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि जो है जो प्रश्न पत्र बना है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है प्रश्न पत्र को लेकर के है कि वास्तव में प्रश्न पत्र कैसा है। ये देखिए, कुछ जो है प्रश्न पे डिस्कस कर रहे हैं। बहन, कौन सा प्रश्न ऐसा है जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, बताइए। नहीं कुछ नहीं, बस एक दूसरे के आंसर बता रहे थे हम एक दूसरे को। आपके कितने नंबर आ रहे हैं बताइए? मेरे तो अभी तो देखते हैं, फिर भी अंदाजा नहीं। अभी तो अंदाजा, क्योंकि मैंने मार्क्स दी है, तो हमारा तो यही था कि मतलब जो भी आंसर करे हमें करेक्ट ही करना था आंसर, इसलिए देखते हैं 50-60 से अबव तो करे ही है क्वेश्चन हमने। 50-60 से अबव करे, मतलब कहीं कोचिंग करते थे? कोचिंग तो ज्यादा नहीं करी, पर सेल्फ स्टडी ज्यादा थी। सेल्फ स्टडी ज्यादा करी, तो अब UKPSC पर पूरा भरोसा है कि पेपर लीक नहीं होगा? हाँ, श्योर है। श्योर है और पूरी तरह से भरोसा है, क्योंकि UKPSC पर पूरी तरह से भरोसा है कि एग्जाम जो है कहीं ना कहीं जो पेपर सेट करवाया वो पेपर जो है ठीक सेट करवाया। यहाँ पर जो है जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने फोटोग्राफ्स और जो उनके फोटोग्राफ्स उनके कुछ चीज़ें रह गई हैं उनको भी देख रहे हैं, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है ये एग्ज़ाम हुआ है। आप देख सकते हैं सारा जो प्रशासन है वो भी अमला यहाँ पर मौजूद है, और एक बेहतर एग्ज़ाम की कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से इस एग्ज़ाम की जो है वेट किया जा रहा था, इस एग्ज़ाम का कि कब ये परीक्षा हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, आपको बता दें उत्तराखंड में पेपर लीक मामले के बाद कहीं ना कहीं जो युवा थे उनके बीच में एक अविश्वास का भाव सरकार के प्रति आया था, लेकिन सरकार ने बाद में जो सारी परीक्षाएं थी उसका जिम्मा जो है UKPSC को दे दिया है। अब UKPSC पर युवाओं का भी भरोसा है कि किस तरह से जो है वो UKPSC इस एग्जाम को करवाएगा, लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या अभी सामने आ रही है वो है UKPSC के पास जो मैन पावर है उसकी जो कमी है, क्योंकि परीक्षा तो हो चुकी है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर के अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वास्तव में UKPSC अपने पास पूरी मैन पावर रखे ताकि समय से परीक्षाएं आयोजित हों, समय से रिजल्ट आए, और प्रदेश के युवाओं को समय से रोजगार मिल सके। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा थी उसको आज हमने दिखाया, अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई कि प्रश्न पत्र कैसा आया था, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रश्न पत्र बहुत ही बैलेंस था और सही प्रश्न पत्र आया था, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये एग्जाम आयोजित हुआ। हमारा बार बार यही कहना है कि UKPSC एक मजबूती के साथ जो है अपना पूरा तंत्र जो है UKPSC को बनाना होगा, ताकि समय से परीक्षाएं आयोजित हों, समय से जो है रिजल्ट निकले, और समय से जो युवा हैं उन्हें नियुक्ति मिल सके, क्योंकि पहाड़ों में गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के युवा रहते हैं, और उनसे उनके माँ बापों की भी काफी उम्मीदें होती हैं कि वो समय पर भर्ती हो जाएं और समय पर अपने परिवार के लिए एक सहारा बन सकें। लेकिन बीते समय आपने देखा कि UKSSSC ने जो परीक्षाएं करवाई, जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है युवाओं का वो टूटा, लेकिन दोबारा कहीं ना कहीं सरकार ने एक विश्वास जरूर दिलाया है कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और आज की जो परीक्षा रही है वो बहुत अच्छी परीक्षा रही है, ये तमाम उन अभ्यर्थियों का कहना है जो एग्जाम देकर वापस लौटे हैं। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।